जब नमाज़े जुमा पढ़ते हैं, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के दरमियान के गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब आप उम्रा करते हैं, एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान तक के गुनाह मिट जाते हैं। और जब आप हज करते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, सारे गुनाह मिट जाते हैं, एक गुनाह भी बदन पे बाकी नहीं रहता। अल्लाह अकबर। फरमाया सहाबा, क्या तुम्हारे घर के सामने से नहर गुजरती हो और तुम उस नहर से पांच वक्त गुसल करते हो, तुम्हारे बदन पर कोई मैल कुचैल रहेगा? अर्ज की, या रसूलल्लाह कैसे रह सकता है? फरमाया, यही मिसाल पांच नमाजों की। जब पांच नमाजें पढ़ते हो, बदन के गुनाह धुल जाते हैं।